हेलो एवरीवन, आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे वेक्टर कैलकुलस के ऊपर, तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट बी, स्मॉल बी, so that the vector field vector a equal x square I cap plus y minus 2xy j cap प्लस एक्स प्लस बी जेड के कैप इज अ सोलेनोइडल तो हमें एक गिवन वेक्टर है जिसको हमें शो करना है कि अगर वो सोलेनोइडल होगा तो कॉन्स्टेंट बी की वैल्यू क्या होगी। यानी किसी भी वेक्टर गिवन वेक्टर ए के सोलेनोइडल होने के लिए कॉन्स्टेंट बी का मान क्या होगा, यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें पता है सोलेनोइडल होने के लिए कंडीशन है डाइवर्जेंस ऑफ a इक्वल टू ज़ीरो। सो वी नो दैट फॉर एनी वेक्टर, टू बिकम अ सोलेनोइडल is a divergence of that vector equal to zero. So divergence of a equal to zero होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, divergence apply करेंगे a के ऊपर। here vector a equal to x square I cap y minus 2xy j cap plus x plus bz k cap. So divergence of a means डाइवर्जेंस को लिख सकते हैं i डेल y डेल x प्लस j डेल y डेल y प्लस k डेल y डेल z। और a का मान है x स्क्वायर i कैप प्लस y माइनस 2xy 2xy j cap and plus x plus bz k cap। तो इसको अप्लाई करते हैं वन बाई वन। तो i का i के साथ डॉट होगा और डेल बाई डेल x को इस पर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x, x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2x एंड देन y प्लस, और ये दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो फॉर सोलेनोइडल। तो एक्स स्क्वायर एंड देन वाई वन माइनस टू एक्स, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वाई का डेरिवेटिव वन माइनस टू एक्स, वाई का वन हो जाएगा, प्लस इसको जेड के रिस्पेक्ट में करना होगा के डॉट के वन, और साथ में x z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें सिंपली मिलेगा b दिस इक्वल टू ज़ीरो। तो 2x और 2x कैंसिल, तो b की वैल्यू हो गई सिंपली माइनस वन। तो इसी b की वैल्यू को हमको फाइंड करना था जिसके लिए ये वेक्टर a हमारा सोलेनोइडल हो, वेक्टर फील्ड a सोलेनोइडल। तो b का मान हो गया माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ जो याद करने वाली कंडीशन है वो ये है कि किसी भी वेक्टर फील्ड के सोलेनोइडल होने की कंडीशन ये है डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन है, कंसीडर अ फील्ड, कंसीडर ए फील्ड वेक्टर ए इक्वल एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। एंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इज द फील्ड सोलेनोइडल, इज द फील्ड सोलेनोइडल। और सेकंड है इज द फील्ड इरोटेशनल, इज द फील्ड इरोटेशनल। हमें बताना है कि ये फील्ड सोलेनोइडल है या इरोटेशनल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इरोटेशनल की कंडीशन होती है कर्ल ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। तो हम एक बार डाइवर्जेंस, और सोलेनोइडल के लिए डाइवर्जेंस होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। तो एक बार डाइवर्जेंस करेंगे इसी सेम वेक्टर फील्ड ए का, उसके बाद एक बार कर्ल करेंगे, जो भी ज़ीरो आएगा। तो दोनों के लिए हमें चेक करना है कि क्या वो सोलेनोइडल है या इरोटेशनल। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस ही चेक करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट फॉर डाइवर्ज फॉर सोलेनोइडल, फॉर सोलेनोइडल, फॉर सोलेनोइडल डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू ये हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। और ए का वैल्यू है एक्स स्क्वायर आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप और जेड स्क्वायर के कैप। तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ये आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये x के रिस्पेक्ट में, ये y के रिस्पेक्ट में, ये z के रिस्पेक्ट में, i डॉट i और j डॉट j वन हो जाएगा। तो ये वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही है, सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि सो वेक्टर फील्ड ए is not solenoidal, is not solenoidal, यानी जो वेक्टर फील्ड ए है वो सोलेनोइडल नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि वो सोलेनोइडल नहीं है। सेकंड में हम चेक करते हैं इसका कर्ल ऑफ ए, इसको देखते हैं क्या आता है। तो कर्ल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे फॉर इरोटेशनल, इरोटेशनल को हम कर्ल ऑफ ए से दिखाएंगे। दिस इज कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए यानी तो यहाँ पे होगा क्रॉस। इसको सॉल्व करेंगे उसी डिटर्मिनेंट मेथड से, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आई कैप के लिए तो ये रो और ये कॉलम निगलेट होगा, यानी डेल बाई डेल वाई जेड स्क्वायर। सो आई कैप डेल वाई ऑफ जेड स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई स्क्वायर एंड देन प्लस जे कैप होगा डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर, डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर। उसी तरह से के वाले को लिख सकते हैं, के का कोफिशिएंट होगा डेल एक्स बाई डेल डेल बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर डेल वाई एक्स स्क्वायर। तो सभी वैल्यू अलग अलग है, यहाँ y के रिस्पेक्ट में है तो z स्क्वायर है, या z के रिस्पेक्ट में है वाई स्क्वायर। तो यानी सारी वैल्यू ज़ीरो आने वाली है, यानी कर्ल ऑफ a इक्वल टू ज़ीरो है। सो कर्ल ऑफ a इक्वल ज़ीरो।
और इसका मतलब ये है कि जो गिवन वेक्टर फील्ड ए है वो क्या है, इरोटेशनल, इरोटेशनल है। तो ये था क्वेश्चन इरोटेशनल के ऊपर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी वेक्टर फील्ड दिया होगा और कभी कभी कांस्टेंट फाइंड करने को आता है, कभी कभी चेक करने को आता है क्या वो इरोटेशनल है या सोलेनोइडल है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है जो ग्रेड और डाइवर्जेंस पे आधारित है, उसको भी देख लेते हैं। तो कर्ल और ये सोलेनोइडल और इरोटेशनल के याद रखेंगे, सोलेनोइडल मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू जीरो और इरोटेशनल में कर्ल ऑफ ए इक्वल जीरो। क्वेश्चन है, इफ वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट देन सो दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड आर पावर एन इक्वल एन एन प्लस वन और आर पावर एन माइनस टू। यह है तो डाइवर्जेंस और ग्रेड, यानी ग्रेड पावर, ग्रेड आर पावर एन का डाइवर्जेंस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी यानी एन प्लस वन आर टू द पावर एन माइनस टू। तो इस तरह का काफ़ी क्वेश्चन आता है, इसलिए उनमें से एक है कि वो हमें आर के बारे में पता है, ये एक पोजीशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट के लिए। पॉइंट सपोज कर सकते हैं कि वो कोई एक पॉइंट है एक्स वाई जेड जिसके लिए वेक्टर आर एक पोजीशन वेक्टर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अगर पोजीशन वेक्टर ये है, इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर के लिए हमें ये दिखाना है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड आर पावर एन इक्वल है इतना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ग्रेड ऑफ आर पावर एन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आर फाइंड करना होगा। तो आर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर आर, और ये बनेगा स्मॉल आर, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का पावर हाफ। रूट है इसका पावर हो जाएगा हाफ। तो सबसे पहले हम लोग अब फाइंड करते हैं ग्रेड पावर, क्योंकि हमें आर मिल चुका है। आर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस पावर हाफ। कंसिडर ग्रेड आर पावर एन। तो ग्रेड को हम लोग आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जी कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड, ये है ग्रेड। और इसको अप्लाई करना है हमें इसके ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पावर एन है और हाफ पहले से है, यानी इसका पावर हो जाएगा एन बाई टू, एन अपॉन टू। वन बाई वन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर एन बाई टू प्लस जी डेल बाई डेल एक्स प्लस वन मिनट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर एन बाई टू प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, यहाँ पे वाई होगा
ये सेकंड वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर एन बाई टू। तो इसको अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर क्या मिलेगा, एन बाई टू आगे आएगा डेल बाई डेल एक्स। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, तो एन बाई टू आई कैप और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर एन बाई टू माइनस वन। इसका एक पावर कम हो जाएगा वो एन माइनस वन, और अंदर इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा टू एक्स। आई पहले से है ठीक है, तो जे कैप एन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाई टू माइनस वन और साथ में टू आई। सिमिलरली के लिए भी उसी तरह से लिख सकते हैं, के कैप एन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर एन बाई टू माइनस वन एंड टू जेड टू जेड। अब सभी में से ये टर्म कॉमन है, एक n बाई टू, तो दो तो कैंसिल हो जाएगा हर टर्म से, तो ये सारे टू को कैंसिल कर सकते हैं, टू 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 और ये टू। तो बचा क्या, n बाई टू एन वन टू, और एक ये पावर होगा जो कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या इसको आर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखने चाहें तो इसको आर लिख सकते हैं, या रहने देते हैं एज इट इज। तो कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दिख रहा है कि नहीं इसमें, कॉमन टू कैंसिल हो चुका है तो दो यहाँ पे नहीं होगा। सो एन एंड इसके पावर में एन बाई टू माइनस वन, ये एन बाई टू माइनस वन बचा क्या, एक्स आई प्लस वाई जेड वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस जेड के कैप तो चाहे तो इसको आर लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप को लिख सकते हैं वेक्टर आर, या फिर कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको अप्लाई करेंगे तो ग्रेड आर पावर एन हमें मिल गया इतना। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसी के ऊपर अप्लाई करेंगे फिर हम डाइवर्जेंस, तो इसे हमें मिटाना होगा। तो ग्रेड ऑफ आर पावर एन को एक बार लिख लेते हैं, ग्रेड आर पावर एन, और ये मिला है एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर एन बाई टू माइनस वन, फिर ब्रैकेट में है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, एक्स वाई प्लस एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो चाहे तो हम यहाँ पे आर लिख सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे वेक्टर आर लिख सकते हैं लेकिन हमें एक्चुअली डाइवर्जेंस ही अप्लाइड करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसको वैसे ही रहने देते हैं। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड आर पावर एन इक्वल, डाइवर्जेंस मीन्स
फिर से इसको चेंज कर सकते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं n, ये क्या है r स्क्वायर, दिस इज r स्क्वायर, सो r स्क्वायर का पावर n बाई 2 माइनस 1 एंड देन x i कैप प्लस y j कैप प्लस जेड के कैप। तो अब डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो डाइवर्जेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये अप्लाई होगी केवल वेक्टर क्वांटिटी पे, यानी ये पूरी राशि हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो आर स्क्वायर, इस स्क्वायर को भी अगर हम लोग बाहर कर लें तो ये n माइनस 2 हो जाएगा, n बाई 2 माइनस 1 पावर में है, तो अगर हम इस 2 को बाहर निकालें तो 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ 2 आएगा, सो r पावर n माइनस 2, और डाइवर्जेंस हमारा अप्लाई होगा सिर्फ इसके ऊपर, यहाँ से हमें क्या मिलेगा n तो ग्रेड ऑफ आर पावर n था हमारा n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर n बाई 2 माइनस 1, इसमें हमें डाइवर्जेंस अप्लाई करना है, तो फर्स्ट सेकंड दोनों यूज होगा क्योंकि यहाँ पे इसका भी डाइवर्जेंस हमें करना पड़ेगा, इसको कॉमन नहीं ले सकते इस तरह से, तो अगर हम कॉमन नहीं ले सकते हैं तो इसे हमें फिर से रिराइट करना होगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ n, और इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर, r स्क्वायर का पावर n बाई 2 माइनस 1, ये जो है ये है वेक्टर r, वेक्टर r डायरेक्ट एक बार देख लेते हैं क्या होता है, तो n हो जाएगा, फिर ये डाइवर्जेंस ऑफ n बाहर, और इसको अगर हम पावर को बाहर करेंगे तो r का पावर n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल और ये 2 यहाँ पे आएगा और इनटू हो गया यहाँ पे वेक्टर r, अब एक तरह से ये फर्स्ट सेकंड जैसा हो गया डाइवर्जेंस के लिए, तो अप्लाई करते हैं डाइवर्जेंस वाला फॉर्मूला, ये पता है हमें फर्स्ट सेकंड, सो डाइवर्जेंस ऑफ a इंटू b लिख सकते हैं, बल्कि ये स्केलर जैसा है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ फाई इंटू वेक्टर ए, क्योंकि ये स्केलर जैसा और ये वाला वेक्टर है, सो फाई इंटू वेक्टर ए, इसको लिख सकते हैं फाई मतलब फर्स्ट फंक्शन डाइवर्जेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एंड देन डाइवर्जेंस ऑफ फाई, तो सिंपल जैसे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ लगता है उसी तरह से, तो इस पर अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा r पावर n माइनस 2 एंड देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r, उसमें जो x i और y z की तरह हम लोग कर रहे थे उससे भी होगा लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी टर्म x y z यहाँ से दिखेंगे फिर इसका पावर दिखेगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको r में कन्वर्ट करके फिर इसको करेंगे तो आसानी से आएगा, ये प्लस वेक्टर r और इधर हो गया n माइनस 2, सो डाइवर्जेंस ऑफ r n माइनस 2 ये होगा n n माइनस 2, डाइवर्जेंस ऑफ r होता है सिंपली 3, डाइवर्जेंस ऑफ r हम अगर कैलकुलेट करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ r यानी डाइवर्जेंस मीन्स i डेल वाई डेल एक्स जी डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वन बाई वन सॉल्व करेंगे तो ये 3 आता है, 3 प्लस वेक्टर आर, इसको सॉल्व करेंगे तो
आर का पावर एन माइनस टू है तो ये एन माइनस टू आएगा बाहर इसका पावर, उसके बाद हो जाएगा आर का पावर एन माइनस टू माइनस वन, एक पावर कम होगा डेरिवेटिव की तरह, सिंपल डेरिवेटिव एन पावर एन माइनस टू माइनस वन। उसके बाद फिर इसका जब करेंगे आर का तो हमें मिलेगा तरह से आर मीन्स एक तरह से हो गया ये डाइवर्जेंस ऑफ आर मीन्स डेल आर बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल आर बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप, तो ये ग्रेड जैसा हो गया डेल वाई डेल जेड के कैप। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स बाई आर एक्स बाई आर एक्स अपॉन आर, ठीक है। तो इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ये लेंदी है लेकिन आता है कभी कभी। तो n और ये हो गया 3 r पावर n माइनस टू एंड देन वेक्टर r और n माइनस टू r पावर n माइनस टू माइनस वन यानी माइनस थ्री हो गया माइनस टू माइनस वन। और ये जो ब्रैकेट में है यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो डेल आर बाई डेल एक्स होता है टू आई थिंक टू, क्योंकि अगर हम लोग आर को देखें तो आर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हमारा वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा आर इक्वल टू दिस हाफ, और अगर आर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का सिर्फ जेड स्क्वायर। अब इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 डेल आर बाई डेल एक्स बराबर 2x, 2 कैंसिल, यहाँ पे 2r भी होगा, सो एक्स वाई आर। तो यहाँ से हमें मिलेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स वाई आर। उसी तरीके से डेल आर बाई डेल वाई करेंगे तो हमें मिलेगा वाई बाई आर डेल आर अपॉन डेल वाई, उसी तरह से डेल आर अपॉन डेल जेड होगा जेड अपॉन आर जेड अपॉन आर। तो उसको यहाँ पे रखेंगे सो दिस विल बिकम एक्स वाई आर, सो एक्स अपॉन आर आई कैप वाई अपॉन आर जे कैप जेड अपॉन आर के कैप। तो इसको याद रखेंगे तो यहीं से हमें ये वैल्यू मिल रही है, इसको यहाँ पे रखें। तो अगर क्वेश्चन हमारा ग्रेड ऑफ आर पावर एन होता तो इजी होता, लेकिन उसके आगे फिर से जो डाइवर्जेंस करना है वो थोड़ा सा लेंदी बना रहा है इसको। वेक्टर आर एन माइनस टू एन माइनस थ्री, ये क्या हो जाएगा, नीचे से आर कॉमन है हर जगह वो और को बाहर ले सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप को लिख सकते हैं वेक्टर आर, वेक्टर आर ये हो जाएगा एन थ्री आर पावर एन माइनस टू प्लस आर आर कैप और आर कैप अरे वेक्टर आर और वेक्टर आर ये दोनों मिलके हो जाएंगे आर स्क्वायर एन माइनस टू पहले से है एन माइनस टू और आर का पावर एन माइनस थ्री और अकाउंट में है आर। तो एक आर से यहाँ आर कैंसिल होगा और एक आर इसके साथ शामिल, यानी ये भी आर का पावर एन माइनस टू हो जाएगा। तो एन और ये हो गया थ्री आर का पावर एन माइनस टू प्लस प्लस एन माइनस टू
एंड देन आर का पावर आर टू द पावर एन माइनस टू। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं आर का पावर एन माइनस टू, तो कॉमन ले लेते हैं एन और आर का पावर एन माइनस टू। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा थ्री प्लस एन माइनस टू आर का पावर एन माइनस टू, और यहाँ से हमें मिलेगा ये हो जाएगा एन प्लस वन। सो दिस इज इक्वल टू एन एन प्लस वन आर टू द पावर एन माइनस टू। ठीक है, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग इस आर को फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर के साथ। एक बार बता दे रहे हैं फिर से, वेक्टर आर के साथ या वेक्टर आर की मदद से हम लोग पहले आर निकालेंगे उसका मॉड, उसके बाद इसके ऊपर ग्रेड निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है, वो इजी होगा। अब ग्रेड आर के ऊपर फिर जब डाइवर्जेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको ध्यान से देख सकते हैं एक बार। एक और क्वेश्चन है पोजीशन वेक्टर आर के ऊपर ही, प्रूव दैट डाइवर्जेंस, या यू कहें ग्रेड वन अपॉन आर पावर एन इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर पावर एन प्लस टू वेक्टर आर गिवन है, वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे तो गलतियां हो सकती हैं, पहले से प्रैक्टिस रखेंगे इसका। सो LHS लेके चलेंगे हम लोग अपॉन आर पावर एन। तो आर के बारे में पता है, गिवन आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी आर इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का पावर हाफ। तो अगर हम लोग आर पावर एन को इस्तेमाल करेंगे तो आर पावर एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाई टू, और इसको अगर हम लोग ऊपर लेके चलें तो इसको लिख सकते हैं आर पावर माइनस एन, यानी आर पावर अगर माइनस एन निकालें यहाँ से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एन बाई टू। अब इसको अप्लाई करते हैं, तो ये डेल ऑपरेटर है एक तरह से, डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और इसको लिख सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एन बाई टू। अब इसको
ऑपरेट करेंगे वन बाई वन. सो आई कैप डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर एन बाई टू प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर एन बाई टू प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एन बाई टू. तो ये आएगा इसका पावर माइनस एन बाई टू. सो दिस इज आई कैप माइनस एन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर माइनस एन बाई टू माइनस वन एंड देन टू एक्स टू एक्स एक्स होगा फिर से ब्रैकेट का तो आएगा टू एक्स प्लस जे कैप माइनस एन बाई टू माइनस एन बाई टू माइनस वन इंटू टू वाई टू वाई प्लस के कैप माइनस एन बाई टू जेड स्क्वायर माइनस एन बाई टू माइनस वन और ये टू जेड. सो दो से दो कैंसिल माइनस बाहर रहेगा तो यहाँ पे कर लेते हैं. तो कॉमन है माइनस एन बाई टू और उसके साथ ये नहीं टू से टू कैंसिल हो जाएगा टू कैंसिल है टू तो माइनस एन माइनस एन और क्या बचेगा माइनस एन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर माइनस एन बाई टू माइनस वन ऐसा माइनस एन बाई टू माइनस वन इन ब्रैकेट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड कैप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप माइनस. चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं कि किसके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू दिस डाइवर्जेंस या सिंपल ग्रेड वन अपॉन आर पावर एन इक्वल टू माइनस एन इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर और अगर हम अपॉन में उसको ले जाएं तो आर स्क्वायर का पावर माइनस एन बाई टू माइनस वन और ये है वेक्टर आर ये हो गया माइनस एन. इसको लिख सकते हैं अगर टू को हम लोग बाहर ले जाएं तो एन माइनस टू माइनस एन एन माइनस टू सो आर का पावर माइनस एन माइनस टू वेक्टर आर ये अगर अपॉन में लिख देंगे माइनस एन अपॉन आर एन प्लस टू और वेक्टर आर वन अपॉन आर टू द पावर यही हमें लाना था प्रूफ. ये था क्वेश्चन.
कुछ क्वेश्चन और हैं जो इसी से रिलेटेड हैं, पोजीशन वेक्टर को लेके। तो क्वेश्चन है, फॉर अ पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर, फॉर ए पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेड ऑफ 1/r, और सेकेंड ग्रेड ऑफ r पावर n, थर्ड क्वेश्चन इज डाइवर्जेंस ऑफ r पावर n इंटू वेक्टर r, एंड फोर्थ वन इज कर्ल ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यू। तो दो तीन तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यहाँ से थोड़ा सा ये लेंदी होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, यहाँ सिंपली हमें ग्रेड बताना है 1/r का। सो ग्रेड मीन्स I del by del x, g del by del y और k del by del z, और r को हम लोग चाहें तो x में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे जो r है वो सिंपली यहीं से आएगा। सो r इक्वल टू मॉड ऑफ r वेक्टर r, ये होगा x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर हाफ। जी, तो इसको अगर हम लोग यहाँ अप्लाई करें, और r को अगर 1/r हमें यूज़ करना है, जैसे यहाँ 1/r है, इसका पावर माइनस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर माइनस हाफ माइनस हाफ, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ हो जाएगा डायरेक्ट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस हाफ माइनस हाफ। अब इसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, इसको हम इरेज करेंगे। हम आर को याद रखेंगे और वहीं से हमें कुछ और वैल्यू भी मिलेगी जिसको हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं, जैसे आर स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम आर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x, एंड दिस विल गिव डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स बाई आर। सिमिलरली डेल आर बाई डेल वाई इक्वल टू वाई बाई आर, एंड डेल आर बाई डेल जेड इक्वल जेड बाई आर सेट अपॉन आर। इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे बाद में, तो इस पर अप्लाई करते हैं माइनस हाफ, एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसका और माइनस वन करेंगे तो हो जाएगा माइनस थ्री हाफ, और इसको फिर से ब्रैकेट में करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा सिंपली 2x और i i कैप। प्लस 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 फिर से
माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस थ्री हाफ इंटू टू आई जे कैप टू आई जे कैप एल प्लस माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर माइनस थ्री बाई टू टू जेड और ये के कैप टू से टू कैंसिल होगा यहाँ भी दो से दो कैंसिल टू से टू कैंसिल ये होगा माइनस सभी टर्म्स से माइनस को कॉमन कर लेंगे और इसको लिख सकते हैं आर का पावर थ्री बाई टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन आर पावर थ्री इस टर्म को लिख सकते हैं वन अपॉन आर पावर थ्री क्योंकि आर स्क्वायर और उस टू से ये टू कैंसिल होगा माइनस थ्री को नीचे लेके आएंगे तो माइनस वन अपॉन आर थ्री और ये क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड देन जेड के कैप ये होगा वेक्टर आर तो इसका आंसर आ चुका है लगभग माइनस वेक्टर आर अपॉन आर क्यू सो ग्रेड ऑफ वन बाई आर इक्वल टू दिस तो कॉमन लेंगे और इस टर्म को हम लोग लिखे हैं आर क्यू सो दिस विल वन अपॉन आर क्यू इसी तरीके से जो सेकंड वाला पार्ट है ग्रेड ऑफ आर टू द पावर एन यह हो जाएगा आर पावर एन एन यहाँ पे होगा एन बाई टू एन बाई टू यहाँ पे आएगा एन बाई टू माइनस वन एंड दिस इज एन बाई टू एन बाई टू एन बाई टू माइनस वन एंड देन 2x यहाँ भी n बाई टू माइनस वन एंड देन 2y यहाँ भी n बाई टू माइनस वन एंड देन 2z तो यहाँ हमें क्या मिलेगा तो n कॉमन है हर जगह 2 कैंसिल हो गया है n कॉमन और ये जो है इसका पावर होगा r स्क्वायर और इसको हम लोग यहाँ करेंगे सो r स्क्वायर का पावर n बाई टू माइनस वन भी कॉमन है और यहाँ से हो गया एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये वेक्टर r हो जाएगा n r पावर ये हो जाएगा n माइनस टू ये वेक्टर आर दिस इज अ ग्रेट पावर आर पावर एन इक्वल टू दिस दिस इज योर सेकेंड पार्ट इसका जो थर्ड सेक्शन है थर्ड वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है डाइवर्जेंस ऑफ आर पावर एन और वेक्टर आर पावर एन इंटू वेक्टर आर इसको हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर और वो लगाएंगे हम लोग यहाँ पे तो जो एक रूल है डाइवर्जेंस ऑफ फाई और इंटू ए यानी स्केलर का मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ क्या आएगा फाई डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डाइवर्जेंस ऑफ फाई सो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा इसको मान लेते हैं फर्स्ट की तरह इसको
सेकेंड फंक्शन जैसा. सो आर पावर एन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर प्लस वेक्टर आर और डाइवर्जेंस ऑफ आर पावर एन डाइवर्जेंस ऑफ आर पावर एन. ठीक है, तो ये हो जाएगा आर पावर एन डाइवर्जेंस ऑफ आर. और जब इतना क्वेश्चन कर लिए हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ आर को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. ये होगा थ्री प्लस वेक्टर आर और ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर पावर एन. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये आएगा एन और आर पावर एन माइनस वन सिंपल डेरिवेटिव जैसा. उसके बाद आएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर. डाइवर्जेंस ऑफ आर यानी आई ऑफ डेल आर बाई डेल एक्स प्लस जी डेल आर बाई डेल वाई प्लस के डेल आर बाई डेल जेड. सो आर वेक्टर आर एंड देन एन आर पावर एन माइनस वन फिर डाइवर्जेंस ऑफ आर. सो पावर के बाद इसका डाइवर्जेंस इतना होगा वो ग्रेड की तरह डाइवर्जेंस ऑफ आर. ये हो गया थ्री थ्री आर पावर एन प्लस वेक्टर आर और आर पावर एन माइनस वन आई कैप और डेल आर बाई डेल एक्स को लिख सकते हैं यहाँ से एक्स बाई आर. तो एक्स अपॉन आर प्लस जे कैप वाई अपॉन आर प्लस के कैप जेड अपॉन आर. नीचे से आर कॉमन और ऊपर आएगा आर पावर एन माइनस टू यानी थ्री आर पावर एन प्लस वेक्टर आर एन आर पावर एन माइनस वन और ऊपर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के यानी दिस इज वेक्टर आर अपॉन आर. तो ये हो जाएगा आर का पावर एन माइनस टू एन माइनस टू ठीक है. और ये आर वेक्टर आर और वेक्टर आर का प्रोडक्ट होगा आर स्क्वायर एक आर इसके साथ ऐड हो जाएगा. तो ये हो गया थ्री आर पावर एन. ये आर यहाँ पे एन आर पावर एन माइनस टू और आर डॉट आर आर स्क्वायर आर स्क्वायर. ये आर स्क्वायर और आर पावर एन माइनस टू हो जाएगा सिंपली आर पावर एन. फाइनल आंसर फाइनली आंसर आएगा थ्री आर पावर एन प्लस एन एन और आर पावर एन यानी थ्री प्लस एन और आर पावर एन. सो दिस विल बी द आंसर. तो फाइनली हमें मिल गया डाइवर्जेंस ऑफ आर पावर एन इन टू वेक्टर आर इक्वल. ये है आंसर थ्री प्लस एन और आर पावर एन थ्री प्लस एन आर पावर एन. सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. अब है चौथा क्वेश्चन इसके बाद लास्ट वाला. फोर्थ क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कर्ल ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यू वेक्टर आर अपॉन आर क्यू. तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर यानी एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप और अपॉन में हो जाएगा आर क्यू. तो
इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, एक्स अपॉन आर क्यू आई कैप, वाई अपॉन आर क्यू जे कैप, जेड अपॉन आर क्यू के कैप। और इसको लिख सकते हैं डेल ऑपरेटर को, आई कैप डेल बाई डेल एक्स जे डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड क्रॉस हो गया एक्स अपॉन आर क्यू आई कैप प्लस प्लस वाई अपॉन आर क्यू सो वाई अपॉन आर क्यू जे कैप प्लस जेड अपॉन आर क्यू के कैप। अब इसे डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्रॉस में जैसा एज यूजुअल करते हैं, आई जे और के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एक्स अपॉन आर क्यू वाई अपॉन आर क्यू और जेड अपॉन आर क्यू। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, आई कैप सो डेल ऑफ डेल वाई डेरिवेटिव होगा इसका माइनस डेल वाई डेल जेड डेरिवेटिव ऑफ दिस, आई कैप डेल वाई जेड अपॉन आर क्यू जेड अपॉन आर क्यू माइनस डेल वाई डेल जेड वाई अपॉन आर क्यू ब्रैकेट क्लोज जे कैप, जे कैप को लिख सकते हैं डेल वाई डेल जेड एक्स अपॉन आर क्यू। तो कुछ लोग यहाँ पे माइनस इस्तेमाल करते हैं डिटर्मिनेंट के दौरान, तो माइनस जब करते हैं तो पहले ये वाला टर्म लेते हैं, माइनस करके ये लेते हैं, हमने प्लस लिया है तो पहले ये वाला टर्म और माइनस ये वाला टर्म, सो माइनस डेल बाई डेल एक्स जेड अपॉन आर क्यू प्लस के कैप डेल बाई डेल एक्स वाई अपॉन आर क्यू माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स अपॉन आर क्यू। ये हो गया सिंपल डिटर्मिनेंट मेथड। अब इसमें देखो जेड हमारा वाई से इंडिपेंडेंट है, तो जो डेरिवेटिव होगा वो सिर्फ आर क्यू के लिए होगा वाई के रिस्पेक्ट में, जेड इसके लिए कॉन्स्टेंट जैसा है, तो z को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, जो कुछ भी होगा वो इसके लिए होगा। सो i कैप z यहाँ पे कॉमन हो गया, एक तरह से डेरिवेटिव में शामिल नहीं होगा, आर क्यू है यानी माइनस आर थ्री, सो हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली r पावर माइनस थ्री यानी डेल अपॉन डेल y r पावर माइनस थ्री का डेरिवेटिव करना है। ये क्या मिलेगा, माइनस थ्री और r पावर माइनस फोर और उसके साथ साथ डेल r अपॉन डेल y, ये पूरा आएगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ आर क्यू, यही मिलेगा यहाँ से, ये जेड हमारा बाहर, डेल अपॉन डेल वाई वन अपॉन आर यानी आर का पावर माइनस थ्री, इसको करेंगे तो माइनस थ्री आर का पावर माइनस फोर और फिर आर का होगा वाई के रिस्पेक्ट में डेल आर बाई डेल वाई, यानी यही हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस थ्री आर पावर माइनस फोर डेल आर अपॉन डेल वाई, ये है पूरा माइनस, ये होगा वाई और उसी तरीके से इसका हो जाएगा माइनस थ्री आर पावर माइनस फोर और डेल आर अपॉन डेल जेड ऐसा सेम इसी तरीके से होगा। जे कैप यहाँ पे एक्स
इसका हो जाएगा माइनस थ्री आर पावर माइनस फोर, आर पावर माइनस फोर और डेल आर बाई डेल जेड माइनस माइनस जेड, इसको हम बंद कर लेते हैं, माइनस जेड फिर होगा माइनस थ्री आर पावर माइनस फोर और माइनस डेल आर बाई डेल एक्स। उसी तरीके से के कैप ये होगा वाई माइनस थ्री आर पावर माइनस फोर और ये हो गया डेल आर अपॉन डेल वाई, नो डेल आर अपॉन डेल एक्स, सो ये होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स एंड देन माइनस थ्री आर पावर माइनस फोर डेल आर अपॉन डेल वाई, दैट्स इट। तो ये हैं तीनों टर्म आई कैप जे कैप और के कैप। अब इसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं जिसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं और उसके साथ साथ इसको लिख भी सकते हैं, डेल आर अपॉन डेल वाई को यहाँ से यूज करेंगे वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर ये लिख सकते हैं साथ में। सो जो कॉमन है पहले उसको कॉमन कर लेते हैं, थ्री माइनस थ्री हर जगह कॉमन है, माइनस थ्री और आर पावर फोर अपॉन में आएगा प्लस हो जाएगा आई कैप और जेड, आई कैप और साथ में जेड। सो आई कैप ये रहा जेड, जेड डेल आर बाई डेल वाई को लिख सकते हैं वाई बाई आर, वाई बाई आर माइनस 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 वाई वाई और ये डेल आर बाई डेल जेड को लिख सकते हैं जेड बाई आर, जेड बाई आर ब्रैकेट क्लोज। सिंपल है, ये दोनों वैल्यू यहाँ से आ रही है, इसकी वैल्यू है ये और इसकी वैल्यू कहाँ से आया वो यहाँ से है दोनों। उसके बाद सेम इधर भी लिख सकते हैं उसी तरह से, चाहे तो एक बड़ा ब्रैकेट यूज करें, ये सब में से कॉमन है, यहाँ ब्रैकेट बंद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से फिर ये आ जाएगा जे कैप प्लस जे कैप और एक्स डेल आर बाई डेल जेड फिर से जेड बाई आर, जेड बाई आर माइनस जे कैप फिर आएगा जेड और डेल आर बाई डेल एक्स एक्स बाई आर, एक्स बाई आर एंड देन के, के कैप वाई और डेल आर बाई डेल एक्स यानी एक्स बाई आर, एक्स अपॉन आर और माइनस जे के कैप एक्स और उसके साथ डेल आर बाई डेल वाई है तो वाई बाई आर, वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर। अब एक चीज़ जो कॉमन है वो है हर टर्म में आर है, वन बाई आर, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, माइनस थ्री अपॉन आर पावर फाइव, अंदर क्या बचा आई वाई जेड, तो ये एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, ये हर जगह कट रहा है, ये आई और ये वाई जेड बाई आर, वाई जेड बाई आर एक्स जेड बाई आर, एक्स जेड बाई आर वाई एक्स बाई आर और एक्स वाई बाई आर, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज है, यानी सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई ज़ीरो, आर को कॉमन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, फोर ये होगा ज़ीरो। सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ज़ीरो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड थे, इसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं वेक्टर कैलकुलस के अंदर में, जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, तो उसको लेके आएंगे हम अगले वीडियो में। फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ, थैंक यू।